पर्यावरण की समस्या है या प्रदूषण बढ़ रहा है, इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? मानी हम लोग रिस्पॉन्सिबल हैं, हमारी ह्यूमन स्टाइल रिस्पॉन्सिबल है। तो हमें कोई ऐसा काम नहीं करना है जिससे पर्यावरण को नुकसान हो, और पर्यावरण के नुकसान के साथ साथ हम अपने स्वास्थ्य की भी अगर बात करें तो एक हेल्दी लाइफ स्टाइल को हम कैसे लीड कर सकते हैं, इस पर हमें विचार करने का समय आ गया है। हम आप सभी को ये सोचना है कि प्रकृति प्रदत्त जो चीज़ें हैं, जो उत्पाद हैं, जो प्रोडक्ट हैं, हम उसको ऐसे ढंग से उपयोग में लाएं जिससे हमारे पर्यावरण को नुकसान ना हो। ये नहीं कि कहा जाए कि हम प्राकृतिक उत्पादों का उपयोग करें तो उनका इतना दोहन कर दें कि वो असंतुलित अवस्था में आ जाए, तब भी पर्यावरण के लिए खतरा है। तो एक तो ये पर्यावरण की बात हो गई कि हम कहीं पर कूड़ा कचरा नहीं फैलाएंगे, कहीं ऐसी चीज़ें नहीं फेंकेंगे जिससे पर्यावरण को नुकसान हो। साथ ही साथ हमारे दैनिक जीवन में जितनी भी मूलभूत आवश्यकताएं हैं, जो हम जगने से लेकर के शाम को सोने तक उपयोग में लाते हैं, उनका उपयोग हमें इस तरह से करना है कि कोई भी नुकसान ना हो। एक सामान्य तौर पर अगर हम सोचें तो आज बिजली विद्युत की बहुत डिमांड है, इलेक्ट्रिसिटी की समस्याएं हैं कि हमें बिजली कम मिलता है, लेकिन हमें ये भी सोचना है कि क्या हम जब अपने कार्य स्थल पर रहते हैं या घरों में रहते हैं और उस रूम में कोई नहीं है तो हम स्विच को ऑफ करते हैं कि नहीं करते हैं? अगर नहीं करते हैं तो ये मिस्टेक हमारी है, हमारी लाइफ स्टाइल सही नहीं है, तो हम उसको बंद करके रखें। अगर हमारे उपयोग करते हैं तो कभी कभी हम ऐसा सोचते हैं कार्य स्थल पर कि हमारी ड्यूटी नहीं है, हम वहाँ से उठे और चल दिए, फैन और लाइट ऑन है, लेकिन हम सभी को सोचना है कि अगर उसका उपयोग नहीं है तो हम उसको नहीं जलाएंगे, ऑन नहीं करेंगे। अगर हमारी प्राकृतिक लाइट से, नेचुरल लाइट से, सनलाइट से काम चल सकता है तो हमें बल्ब और ट्यूबलाइट को ऑन करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर हम एसी रखते हैं, हवाएं चल रही हैं, तब भी हमें एसी को ऑफ करना है। ऑलरेडी आप देख रहे हैं कि प्रकृति में हम लोग यहाँ कितना आनंद कर रहे हैं ये बीच पे खड़े होकर के। तो हमें अपनी जीवन शैली को ऐसा बनाना है जिससे हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा हो, पर्यावरण भी संतुलित हो और एक संतुलित इकोसिस्टम इस पृथ्वी पर बना रहे। यही हम सब मानव जीवन के साथ साथ समस्त बीमारियों के लिए क्या है, लाभप्रद है। तभी पृथ्वी पर संभव है कि हमारा अस्तित्व बना रहेगा। आप देखते हैं प्रकृति में कि कितनी बर्ड हमारे प्रकृति से खत्म हो गई, कितने जंतु खत्म हो गए, और धीरे धीरे वनस्पतियों की संख्या, पौधों की संख्या कम होती जा रही है। तो अगर हम लगा नहीं पा रहे हैं तो हम उनको नुकसान भी ना होने दें, लेकिन कोशिश करें कि हम लगाएं। अगर आप इसको वैज्ञानिक ढंग से नहीं सोच पाते हैं तो हमें सिर्फ बहुत ही साधारण सोचना है कि जो जीवन प्रदायिनी ऑक्सीजन है ये हमें किससे मिलती है, पौधों से मिलती है। और अगर ये पौधे नहीं होंगे तो ऑक्सीजन नहीं होगा। इसको सामान्य तौर पर आप इसके महत्व को समझ सकते हैं जब हमारे और आपका बीच कोई भी आदमी ऑक्सीजन सिलेंडर पे हॉस्पिटल में होता है, तब हम अपने गॉड, ईश्वर, अल्लाह, ईसा मसीह, जिस भी शक्ति को मानते हैं उससे प्रे करते हैं कि भगवान उसको लाइफ दे दो। तो हमें इतने से ही अंदाज़ा लगा देना चाहिए कि प्रकृति में पौधों, वनस्पतियों का कितना बड़ा महत्व है। अगर ये वनस्पतियाँ पृथ्वी पर नहीं होंगी तो जीवन संभव नहीं है, हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। आज हम जो खाना खाते हैं
चाहे हम चावल खा रहे हों, रोटी खा रहे हों, ब्रेड खा रहे हों, बिस्किट खा रहे हों, ये सब हमें इनका जो रॉ मटेरियल है वो किससे मिलता है? पौधों से मिलता है। वो पौधे चाहे छोटे हों चाहे बड़े हों। तो हमारी प्रथम ड्यूटी है, हम सबका दायित्व तो है कि हम इनको बनाएं, बचाएं, इनको संरक्षित करें, इनकी संख्या को बढ़ाएं। ये भी एक जीव है, लिविंग है, क्योंकि जब ये सूख जाता है पौधा तो हम कहते हैं कि मर गया है। सामान्य भाषा में बोलते हैं ना हम लोग कि मर गया है। तो हमें ज़रूरत है इनके प्रति, आप चाहे दया कह लीजिए चाहे कर्तव्य निष्ठा कह लीजिए, लेकिन अगर इनको हमने इग्नोर किया तो हमारी आने वाली पीढ़ियों का अस्तित्व इस पृथ्वी पर खतरे में है, जैसे कुछ जीव जंतु धीरे धीरे इस पृथ्वी पर विलुप्त हो। तो कुछ आपको समझ में है ये क्या है? ये है बहुत छोटी चीज़ आपको लग रही होगी कि ये बैनर लगा के और ये हाथ में हम लोगों ने ले लिया और ये एक फॉर्मेलिटी है। नहीं, इसको हमें वास्तविक रूप में लाने की ज़रूरत है। ये केवल बैनर और ये केवल मीटिंग नहीं है, ये हमारे मतलब कह लीजिए हम गवर्नमेंट ड्यूटी नहीं कर रहे हैं, हम अपने नैतिकता का निर्वहन करना है। और हम तब तक अशिक्षित होंगे, तब तक बेकार माने जाएंगे, जब तक हम अपने जीवन में नैतिकता को नहीं अपना लेंगे। नैतिकता का मतलब केवल आपसी व्यवहार से नहीं है, नैतिकता का मतलब है कि हमें अपने सराउंडिंग्स के पास जो भी चीज़ें हैं उनके सब सबके प्रति हम क्या हों, नैतिक हों। अगर ये हमारे पास खड़े हैं तो इनको भी मुझसे कोई नुकसान ना हो। और हमें इस एंगल से सोचना है कि हमारे पास जो पेड़ है, जो धरती है, जो मिट्टी है, जो जल है, जो भी कुछ है, निर्जीव सजीव, जिस दिन हम ऐसा सोचना शुरू कर देंगे हमारी अधिकांश समस्याएं जीवन की समाप्त हो जाएंगी। आप में से लोग समझते होंगे ना कि हमारे दादाजी और लोग कहते थे कि जब हम ड्यूटी करते थे तो पैदल चलते जाते थे स्कूल लाइन में, क्या होगा ना? लेकिन आज हम क्या करते हैं, घर के बगल में अगर दुकान है तो हम कैसे जाते हैं, स्कूटी से जाते हैं, स्टार्ट करते हैं स्कूटी। हम लोग ये नहीं सोच पा, जब वॉक करेंगे तो आपकी फिजिकल एक्सरसाइज होगी, वो आपके हेल्थ के लिए होगा। दूसरा, कंजप्शन आप क्या, पेट्रोल भी आपका कम होगा, पैसा भी बचेगा। और जब पैसा भी आपने सेव किया तो आपने इन्वायरमेंट को भी सेव किया, क्योंकि जो कार्बन डाइऑक्साइड उससे निकल रहा है, हार्मफुल गैसेस जो निकल रही है, उससे भी आपका जो है इधर को है हम लोगों को करने की। आज अगर हम अकेले जाते हैं कहीं पर भी तो ये मत सोचिए आप कि लोग नहीं कर रहे हैं, हमारे करने से क्या होगा। लेकिन आपने एक छोटी कहावत सुना होगा कि बूझ बूझ से तालाब भरता है। तो अगर जल संरक्षण की बात करें हम, तो एक बूंद अगर आप बचाते हैं तो वो बूंद जुड़ करके एक विशाल का है समुद्र या सागर का रूप की तुलना के रूप में आ सकता है जीवन में। तो ये जल संरक्षण की बात हो गई। मैंने आपको कई चीज़ें बताया कि जीवन में बिजली है, पानी है, प्रकृति है, पेड़ हैं, पौधे हैं, प्रदूषण है, इनके साथ हमें कैसा व्यवहार करना है। और वो जो व्यवहार होगा वो अगर नैतिक मूल्यों से पर आधारित होगा तो वही सस्टेनेबल यूज़ कहलाता है। जो आज हम अंग्रेजी में सस्टेनेबल वर्ड यूज़ करते हैं कि सस्टेनेबल ही क्या है, सस्टेनेबल यूज़ क्या करेंगे, वो यही है। उसको शुद्ध हिंदी में समझ लीजिए कि नैतिकता से परिपूर्ण व्यवहार अपने सराउंडिंग के प्रति, जिस पर हमारा जीवन निर्भर है, और यही जीवन का मूल मंत्र है।